मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बंधु रोबिन सिंह आपके सामने एक बार फिर लाइव आया हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है हैप्पी दिवाली। तो आप सबको हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी बंधु हैं, जितने मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरी दोस्त हैं, तो उन सब के लिए मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। आपको आने वाली इस साल में और अगले साल हमेशा खुशियों से भर जाए। आपके जो भी रिज़ल्ट आने वाले हों सब पॉजिटिव आए, आप खुशियों से भर जाएं। SBI क्लर्क का रिज़ल्ट जल्दी आने वाला है। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी, काफ़ी चैनल दिखा रहे थे 26 और 25 को फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझ पर कन्फर्म न्यूज़ नहीं थी, इसी वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी। दूसरी बात, आपके लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज शांति से अपना जीवन है आपका, टेंशन ना लें। ये मत सोचिए कि मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ, आज क्या होगा। आज भी टेंशन मत लो यार, आज दीपावली का त्यौहार है, अपना घर में खुशियाँ बनाओ, लोगों में मिलो, घूमते रहो, मिलते रहो, तो आपको खुशियों से भर जाए ये मैसेज। मैं यही चाहता हूँ, इस चैनल से आप ऐसे जुड़े हुए हो जैसे आपका परिवार है, आप परिवार के रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें। आपको शुभकामनाएं कि आप सब सक्सेसफुल हो, इसी साल सक्सेसफुल हो, क्या किसी भी चीज़ में सिलेक्शन हो। मैं ये नहीं कहता कोई PO बने, कोई क्लर्क बने या किसी भी चीज़ में, किसी भी विभाग में, लेकिन आप सब सिलेक्शन ले जाएं। मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं दीपावली पे। दीपावली काफ़ी अच्छा त्यौहार है, शांति का त्यौहार है। पटाखे जिसे फोड़ने हों पटाखे फोड़ें, मतलब अपनी खुशी मनाएं, घर वालों से मिलें, सब रिलेटिव से मिलें। तो ये त्यौहार एक साल में एक बार आता है, आज के दिन टेंशन ना लें। सिलेक्शन आपको एक में लेना है। मान लीजिए किसी बच्चे का नहीं हो पाया RRBPO मेंस, उसके अलावा SBI भी नहीं हो पाएगा, तो क्या हुआ ये बताओ, ज़िंदगी थोड़ी छिन गई आपसे। अभी मौके है यार, मार दो। अगर जिसकी उम्र निकल गई तो ज़िंदगी थोड़ी छिन गई। स्टेट लेवल मारो, IAS मारो, PCS मारो। आप यार अपने आप में एक टैलेंट हो यार, हर बंदे में एक टैलेंट होता है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप मैं अलग, हर एक बंदे में टैलेंट है, मुझ में कुछ है, तुम में कुछ है, समझ रहे हो। नहीं, आप सारे दोस्त मेरे जितने भी हो सब टैलेंट हो, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी दोस्त हैं मेरे, जितनी लड़कियां हैं, जितने लड़के, सब टैलेंटेड हो आप। इस चैनल से जुड़े हो, ना भी जुड़े हो, पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो वो भी टैलेंटेड है, समझ रहे हो। नहीं, अपने आप में किसी से तुलना मत किया करो, क्योंकि तुलना वही करता है जो कमज़ोर होता है, समझ रहे हो। तो आप किसी से अपनी तुलना मत किया करो, आप अच्छे खासे टैलेंटेड आदमी हो सब बंदे। तो आपका दिन कभी ना कभी आएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि सूरज और चांद अलग अलग चमकते हैं, समझ रहे हो। नहीं, सूरज और चांद अलग अलग चमकते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही तुम भी अलग अलग चमकोगे, किसी का टाइम जल्दी है, किसी का टाइम लेट है। तो आपको मेरी यही शुभकामनाएं, इस चैनल से जुड़े रहें। जो इस चैनल को पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो आज मैंने आज कोई पढ़ने की, कोई इन्फॉर्मेशन की वीडियो नहीं बनाई, आज आपको शुभकामनाएं की वीडियो बनी थी। तो जो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब, एक बटन आ रहा होगा उसे दबाएं, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी, नई नई सब्जेक्टिव वीडियो मिलेंगी, करंट अफेयर्स मिलेगा, और आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जितने भी दोस्त हैं मेरे, LIC ADO वाले हैं, LIC असिस्टेंट का पेपर है, SBI का रिजल्ट आना बाकी है, EPFO SSA का मेंस है, EPFO ASO का मेंस है, आने वाले टाइम में बहुत एग्ज़ाम है, तो उनके लिए सबको ऑल द बेस्ट। दीपावली के साथ आपकी खुशियाँ घर भर जाएं, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार मनाएं, आज टेंशन ना लें, मेरी जो ये आपको, आज भी अगर टेंशन लोगे यार जीवन तो निकलता जा रहा है। ये देखो, अगर ये सोते रह जाओगे कि यार टेंशन सर मतलब आज भी टेंशन है, अरे टेंशन होगी यार होगी, लेकिन त्यौहार भी तो एक साल में एक बार आता है, इसे खुशी से मनाएं, एक दिन की तो बात है, उसके बाद मेहनत करो, फिर दोबारा आगे बढ़ो। जहाँ कमजोरी है वहाँ चूक नहीं होनी चाहिए, और जॉब आपको एक चाहिए, किसी की उम्र भी निकल जाए टेंशन मत लेना, आपके लिए बहुत बड़ा लिखा है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। नहीं, मेरे एक जानकार ऐसे थे कि उनकी एज ओवर हो गई थी, समझ रहे हो। नहीं, 30 साल उन्होंने बैंक के पेपर दिए, नहीं हुआ, सही, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गए। मेरी बात हुई उनसे बहुत दिन पहले की बात है, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट, काफ़ी परेशान हो गए। तो जब उन्होंने क्या कहा कि यार मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरा नसीब ख़राब है, मैं जी नहीं पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे बैंक का सपना था, फिर उन्होंने क्या करा, आप समझिए मेरी बात, उन्होंने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम पर लग गए। 2 साल के अंदर, 3रा साल चल रहा था, उन्होंने UPPCS JEE निकाल दिया, JEE मतलब जज का एग्ज़ाम,
तीन साल के अंदर मुखर्जी नगर तैयारी करी उन्होंने जाके, और मतलब फिर अपना टेंशन भूल के 33 साल में वो जज बन गए। उन्होंने LLB कर रखा था। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा अगर इसमें नहीं हो रहा तो, इसलिए सब आप इंपॉर्टेंट हो अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। आप में सब में टैलेंट है, किसी से तुलना मत करोगे। और कोई कह दे गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई कमज़ोर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये सब भगवान ने बनाए हैं, आपने नहीं बनाए। लंबा छोटा मोटा पतला सब आप भगवान के बनाए हुए हो, उनके स्वीकार करो। इसे तुलना मत करो कि यार वो ज़्यादा टैलेंट है, उसके घर वाले ये कहते हैं वो पढ़ने में निकल गया। अरे यार तुम भी तो अलग टैलेंट हो, तुम्हारे जरा टैलेंट उसमें हो जाए तो बताना। तो इसलिए ऑल द बेस्ट, इस चैनल से जुड़े रहें, सक्सेस अड्डा ये चैनल है, और मैं रोबिन सिंह आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।